वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने बात की थी बूलियन वेरिएबल के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल जो स्टेटमेंट होता है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। मींस पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, देन सेकंड एग्जीक्यूट। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर देन ये एग्जीक्यूट होगा, देन ये होगा, देन नेक्स्ट ये होगा। पर नेक्स्ट जो हमारा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये डिपेंड करता है, कंडीशनल वाइज चलता है। तो इसमें हमारे पास होता है इफ़, देन इफ एल्स, स्विच एंड लूप। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है, मींस ये रेंडमली एग्जीक्यूट होते हैं, ये डिपेंड होता है कंडीशन पे। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंट्री होती है, देन यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अदरवाइज अगर ये फॉल्स हुई तो ये एंड हो जाएगा। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं इसी प्रोग्राम को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू इंटर करेंगे, देन स्कैन एफ, और यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर ए, और स्कैन एफ यहाँ पर हम लेते हैं डी, देन एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पर हम करते हैं ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी ए यहाँ पर हम लेते हैं ए इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देन ए इज इवन नंबर, देन यहाँ पर हम इसे अभी रिमूव कर देते। अगर जो हमारा जो ए होगा वो अगर मॉड्यूलस बाय टू अगर ये ज़ीरो हुआ तो क्या होगा, ये हमारा इवन नंबर होगा। हम इसको एक रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैं डालता हूँ 4 और इंटर करता हूँ, तो ए इज़ इवन नंबर। अब अगेन मैं इसको रन करके देखता हूँ और मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मीन अब यहाँ पर हम देखते हैं इफ़ एंड एल्स। तो जो इफ़ एंड एल्स होता है उसका हम सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते। तो सॉरी यहाँ पर ये हमारा इफ एल्स का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक होगी, देन अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम एक फॉल्स स्टेटमेंट भी ले लेते। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एल्स, और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ ऑड नंबर। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ 4, देन इंटर करते हैं,
तो यहाँ आप देख सकते हैं ए इज इवन नंबर। मैं अगेन इसको रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 5, देन ये प्रिंट कर रहा है ऑड नंबर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इफ एंड एल्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा इफ एंड इफ एल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।